वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू ब्लॉग्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज जो है मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है 10:30 बजे से हो रही है, तो आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी सुबह, क्योंकि आज मन्नत की छुट्टी है, तो इसलिए लेट उठे थे। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद नहा धो के अभी जाके फारिग हुए 10:30 बजे। बाकी बाहर इतनी तेज़ गर्मी है ना आज, तो पता नहीं क्या है मौसम, भी कभी इतना गर्म हो जाता है और कभी एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, पता ही नहीं चलता है मौसम का भी। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो देखते हैं पूरे दिन का क्या रहता है, और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। एवरीवन, तो टाइम जो है 11 बज चुके हैं, तो हम दोनों जो है अभी जा रहे हैं और यहाँ पर है पड़ोसी दीदी के पास। तो पड़ोसी दीदी का एक सामान था जो मेरे पास था, तो मैंने सोचा ये छोड़ने जाते हैं साथ में थोड़ी देर कपड़े मारने के लिए। घर में बैठ के भी जा करेंगे मन्नत पर हम दोनों, तो हम लोग उससे थोड़ी देर चले जाते हैं ना मन्नत। हम लोग किस कौन से बुआ के पास आ रहे हैं, कौन सी मासी के पास आ रहे हैं? अच्छा, लवली मासी बोलो ना फिर, यहीं पड़ोस में ही है दीदी का घर, तो वहाँ पे जा रही हूँ। बाकी वहीं पर जाके मिलती हूँ आपसे सीधा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे दीदी के पास। बाकी मन्नत वहाँ पे जिद कर रही है कि कब से लेकर भाइयों को झूले में लगाओ, झूले में लगाओ, झूला झुलाना है मैंने। तो दीदी ने वहाँ जाके भाइयों को जो है झूले पे लगा दिया है। जाओ आप झूला झुलाओ, इधर से झुलाओ, यहाँ जाओ, यहाँ झुलाओ, जाओ अब झूले में झुलाओ। यहाँ पे मन्नत अब थोड़ी देर भाइयों को झूले में झुलाएगी और सुनाई देगी अब ना, इधर को नहीं झूलेगा ये मन्नत। तो बाकी थोड़ी देर गप्पे मारते हैं दीदी और हम दोनों। कैसे लग रहा है भाइयों, अच्छा को बारी खेल का है? बारी है। सच सच बोलो, सच सच में बारी है। एक हाथ ऐसे ऊपर से रखते, ऐसे ऐसे ऊपर से, यहाँ भाई ऊँची बोलते ना। देखो आप भाइयों को ले जाना, ठीक है, शाम को ले जाएंगे। यहाँ देखो तो क्या किया, कहाँ से लगाया लिपस्टिक अभी अभी, किसका लगाया, किसका लगाया लिपस्टिक? भाइयों देखो तो क्या करा है, भाइयों भाइयों बोलो, अब चेक करो हाथ पैर तो दर्द नहीं रहे। हाथ दर्द अभी से ही चाको, अब थोड़ी देर डर गया, डर गया। पूछी करो, एक पूछी करो, लगेगा। अच्छा लिपस्टिक लगेगा, नहीं करते फिर? साफ करो एक बार। अच्छा साफ करो भाई लिपस्टिक, पूछी करना है, पूछी पूछी। होंठ में नहीं करते, यहाँ पर करते ऐसे, गाल में करो भाई, हुए ना छोटा, होंठ में नहीं करते, ठीक है? अरे कोई जुकाम लगता है, मुंह में। A few moments later. Good afternoon. तो टाइम जो है 2 बज रहे और हम अभी अभी मनोत्रम ने घर की और वापस आ रहे, तो हमारा लंच वगैरह वहीं पर दीदी के पास ही हो चुका था, तो हम अभी जाके वापस घर की और जा रहे। अब थोड़ी देर मन्नत को सुनाने का टाइम भी हो गया, तो मैं उससे चलते घर के लिए। बाकी हम मन्नत रानी, हेलो बोलो मन्नत रानी, हेलो बोलो। ये क्यों खेल रहे हो आप ऐसे? तो अब आपसे सीधा मैं घर पहुँच के ही मिलूँगी। तो मन्नत और हम दोनों पहुँच गए घर वापस, और मन्नत आते हैं यहाँ पे जूस पे जोर दिया सोने से पहले, मच्छर वाला जूस पिला लेती हूँ, जूस पीना है बोली थी पहले भी। बाकी यहाँ पे जो है प्रिंसी दोबारा से काली हो गया है ना, नहला के गई थी ना मैं आपको, पता नहीं कहाँ मिट्टी में जाके खिलाओ ना, इसने दोबारा से अपने इन बालों को काला कर दिया है। तो एक बार थोड़ी देर के लिए मन्नत को सुला देती हूँ, और 2:30 भी बज गए है ना, सोना है ना, काले काले आ रहे हो आप। तो मिलते आपसे अब थोड़ी देर में, मिलते हैं आप 1-2 घंटे के बाद मिलेंगे, 2:30 तो बज गए, 4 बजे से हम मिलेंगे अब आपसे, छोड़ो ना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम जो है 4:30 हो गए और मैं जो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सो गई थी, पता नहीं क्या मुझे आज तो मन्नत के साथ ही नींद आ गया था, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल चित्त हो गई थी, 2:30 बजे से तो वैसे ही सोए हम लोग, और अभी जो है 4:30 हो रहे, तो अभी जाके उठी हूँ मैं। बाकी नीचे आके बैठी हूँ, बहुत बोर होने का, एक तो इतनी गर्मी है बाहर, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो खेतों में कुछ काम है, कुछ भी नहीं है आजकल घर के पास तो काम भी। एक तो जब मन्नत घर में होती है तो मन्नत की, मन्नत को छोड़ के वैसे भी हरकत का अरे परे नहीं जा सकती हूँ, पर ये खेत वगैरह के लिए तो मन्नत को, मन्नत के साथ ही रहना पड़ता है यहीं पर ही। तो बस आजकल तो इतनी बोर हो रही हूँ ना मैं घर में, भगवान क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो देखती हूँ अब भी क्या करती हूँ। वैसे तो अभी मुझे इतने पकौड़े खाने का मन कर रहा है, अभी देखूँगी अंदर जाके मेरे पास आलू है कि नहीं है, नहीं तो सिंपल पकौड़े बनाऊँगी आलू के। बाकी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अंदर जाके एक बार चेक करती हूँ किचन में। तो फाइनली जो है मैंने पकौड़ा बना दिया, तो मेरे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं, तो ये इतने यम्मी पकौड़े ना ऐसे करारे करारे, तो मैंने ये आलू और थोड़ा तीन आलू था मेरे पास बचे हुए, तीन आलू और इसमें एक प्याज लगाया और इसमें थोड़ा सा हरा सब्जी लगाया मैंने, और नमक वगैरह वही
नॉर्मल ऐसी बनाया हुआ है, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। देख के लग रहा है अभी टेस्ट तो नहीं किया मैंने, तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। अब मैं इसको चाय के साथ बैठ के ऐसे खाऊंगी। सबसे पहले मन्नत को उठाऊंगी, फिर मन्नत और हम दोनों जी इसको चाय के साथ बैठ के खाएंगे। और जो है पकौड़े की रेसिपी मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि जो है बिल्कुल सिंपल पकौड़े बना रही थी मैं। ऐसे तो मैं मास्टर शेफ हूँ नहीं कि मैं पकौड़े बनाते हुए आप लोगों से शेयर करती। आप लोग मेरे पकौड़े देख के बोलते प्लीज़ मत कीजिए अपनी रेसिपी शेयर, हम खुद से बहुत अच्छा बना लेते हैं पकौड़े, तो इसलिए मैंने पकौड़े की रेसिपी शेयर नहीं की। बस जो थोड़ा बहुत मुझे 3 आलू के मैंने इतने पकौड़े बना दिए और इसमें थोड़ा सा बेसन कम हो गया। बेसन और मैदा मैंने बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ किससे बनता है ये मैदा बेसन। मैं भूल गई, रहने दे तेरे को। सॉरी सॉरी, बेसन, हाँ बेसन से बनता है, मैदे से तो शायद मोमो वगैरह बनता है। हाँ तो मैं बेसन जो है मेरे पास थोड़ा सा कम था तो फिर भी मैंने बना दिया, एडजस्ट कर लिया। अब मैं जाती हूँ फटाफट से मन्नत को उठाती हूँ और मन्नत और हम दोनों जो है ना अब फटाफट से पकौड़े खाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। प्रिंसी कहीं आप ही मार खा के मत आना अच्छे। प्रिंसी थप्पड़ मत खाना इसे। पिंशु प्रिंसी मारेगी आपको, देखो मैं बोल रही हूँ, इधर आओ, हीरोइन मत बनो ज्यादा मेरे सामने। चले गए प्रिंसी, आओ इधर, प्रिंसी आओ इधर, चले गए वो प्रिंसी ना। प्रिंसी ये पक्का एक थप्पड़ तो जरूर खा के आएगी आज बिल्ली से। तो मन्नत और हमने जो पकौड़े खा के खत्म कर लिया तो हमने अभी भी फारिक हो गए ना मैं पकौड़े खा के। हाँ जी तो बोलो ना कैसे थे पकौड़े, बताओ एक बार मम्मा ने कैसे बनाए थे। टेस्टी यम्मी, आपको भी यम्मी लगा ना। करने के थे ना मैंने ना। बस बोलो, बस मत बोलो, आप कुछ समझ नहीं आता आपका बात, ठीक है पकौड़े यम्मी थे ना सिर्फ ऐसे बोलो। तो बस अभी अभी हमने पकौड़े खा के फारिक हुए तो अब मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए यहाँ पर पड़ोसी दीदी के पास। तो मन्नत जो है आज देते का मोबाइल, आज पापा ने मोबाइल वहीं पर ही छोड़ा तो पापा सुबह करने चले गए, तो जल्दी जल्दी में पापा अपना मोबाइल भूल के चले गए। तो मन्नत पूरे आनंद ले रही है मोबाइल देखने का यहाँ पे। तो मिलती हूँ आपसे अब मैं कल की ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।